जय चौथी क्लास में पढ़ता था। कुछ समय से वो अपनी पढ़ाई में ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसने ये बात अपने पिता को बताई। अपने बेटे को एक कहानी के ज़रिए रमन ने जय को कुछ समझाने की कोशिश की। बात एक जंगल की है। शेर के बच्चे बड़े होकर शिकार के लायक हो गए थे। उनमें से एक शावक को बाकी जानवरों से डर लगता था। वो सोचता था कि बाकी हिरन और जानवर कितने बड़े हैं, मैं उनका शिकार कैसे कर सकता हूँ। बब्बर शेर ने शावक से कहा, तुम इस जंगल पे राज करने के लिए बने हो। कई बार शिकार के दौरान शावक का हौसला कमज़ोर हो जाता था, तो बब्बर शेर यही कहता था, तुम इस जंगल पे राज करने के लिए बने हो। धीरे धीरे शावक ने अपनी क्षमता पे डाउट करना ही छोड़ दिया, ताकि बार बार बब्बर शेर को वही पुरानी बात याद ना दिलानी पड़े। धीरे धीरे शिकार करना शावक के लिए जुनून बन गया। कई सालों बाद बब्बर शेर भी शावक की चपलता देख हैरान हो गया। शावक ने कहा, मैंने कभी अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया और ना ही कभी अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट किया। मेरी फुर्ती और चपलता का यही राज है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप भी शावक की तरह लगन से अपने लक्ष्य की ओर जुटे रहें। ना कभी निराश, ना बने कभी घमंडी, सफलता आपकी होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।